रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हो सकता है कि मेरे अंदाज में आपको मजा ना आया हो, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के अंदाज में आपको जरूर मजा आया होगा। इसीलिए तो अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। वो भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने 5 दशक से अधिक समय तक इंडस्ट्री में राज किया है। अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और शानदार अभिनय प्रतिभा से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का एक ही सपना था कि वो अपने आप को अभिनेता के रूप में देखें, लेकिन उनके लिए ये सफर इतना आसान भी नहीं था। 13 फिल्मों के बाद जाकर अमिताभ बच्चन को अपनी पहली हिट फिल्म मिली थी और यहीं से उनका सफर शुरू हो गया। सपने भी पूरे होते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमें अमिताभ बच्चन के रूप में देखने को मिलता है। एक इवेंट के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो भी रास्ते अपनाने होते हैं, उसे एक स्पीच के जरिए हम सबके सामने पेश किया था। आज वही स्पीच हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने ये स्पीच तो इंग्लिश में दी थी, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए ये स्पीच का हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं, जिसमें शब्द तो अमिताभ बच्चन जी के होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस नामी संस्थान के दीक्षांत समारोह में बुलाया जाना मेरे लिए सचमुच में सबसे बड़े गर्व की बात है। आप सभी ग्रेजुएट्स को ढेर सारी बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज की तैयारियों के दौरान श्रीमती अंबानी जी से बात करते हुए और उनका भाषण सुनकर मैंने गौर किया कि वो हमेशा छात्रों को अपने बच्चों की तरह ही संबोधित करती हैं। इससे मेरे दिमाग में ये आया कि हर माता पिता अपने बच्चों के सपनों को ही जीते हैं, उनकी सफलता में ही उनका अपना सुख होता है। सपना जीना सीखना है तो आसपास देखो, खासकर अपने माता पिता को, वो अपने शौक और ख्वाहिशों को कैसे पूरा करते हैं, गौर करो, ऑब्जर्व करो उनको। वही तो है असली सीख, प्यार, जुनून, पक्का इरादा, मेहनत और हार ना मानने का जज्बा। ये तो आसान चीजें हैं, असली मजा तो बाद में शुरू होता है। जब तुम खुद अपने सपने से मिल जाओ तब मुश्किलें आती हैं, जब तुम ही वो बन जाओ जो तुम पाना चाहते हो। सिर्फ अपने माता पिता का सपना नहीं बल्कि पूरे देश का सपना, जब तुम्हारे फैसले का असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़े तब समझो तुम सच्चे मायने में सफल हुए हो। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, तुम ही हो वो सपना जो हकीकत बना। आज जब तुम अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पर खड़े हो, जहां तुम्हारे सपने हकीकत बनने को तैयार हैं, तब तुम्हारे माता पिता तुम्हारी तरफ दुआ मांगते हुए देखते हैं, तुम्हारे शिक्षक गर्व से तुम्हारी ओर देखते हैं और पूरा देश तुमसे उम्मीदें लगाए हुए है। यही सपने की ताकत है और आज ये ताकत तुम्हारे हाथों में है। इसे हिम्मत से पकड़ो और इसे पूरा करो। कभी कभी हासिल करना नामुमकिन लग सकता है, एक परियों की कहानी जैसा, लेकिन याद रखो जिंदगी आसान नहीं होती, मगर उसकी मुश्किलों से कभी डरो मत। सपना कोई हवाई ख्वाहिश नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। सपने के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, शरीर होता है। वो हाथ, पैर, शरीर तुम हो, सपना तुम हो और तुम ही सपना हो। हमेशा एक रहो, भले ही इसके लिए संघर्ष करना पड़े, पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। हार जीत मायने नहीं रखती, जिंदगी जीना मायने रखता है। अगर मैं कोई खिलाड़ी, बॉक्सर, एथलीट, हॉकी खिलाड़ी, क्रिकेटर, सेना या वायुसेना में होता, या शायद अभिनेता नहीं होता, तो भी मेरे माता पिता खुश होते, क्योंकि मैं उनका सपना था। लेकिन मेरे खुद के सपने भी थे, गांधी जी ने कहा था, और आज के मुख्य वक्ता और स्कूल कप्तान ने बदलाव के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। मैं उनकी बात में यह जोड़ना चाहूंगा, वो सपना बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। तो एक सपना जियो, वो सपना जो ना मेरा है, ना तुम्हारा, ना किसी और का, वो सपना जो सिर्फ अपना है।
तुम दुनिया में अपने माता पिता का आशीर्वाद, शिक्षकों की सीख और अपने सपने लेकर आते हो। ये अनमोल है, इन्हें कभी किसी के लिए मत छोड़ो। अब एक शब्द है जो अक्सर गलत इस्तेमाल होता है, वो है करियर। मुझे ये शब्द ज्यादा पसंद नहीं है। करियर का मतलब होता है घोड़े की तरह दौड़ना, बिना किसी दिशा या मकसद के बस रफ्तार। जिंदगी रेस कोर्स नहीं, एक अनुशासन, एक लक्ष्य है। ये गुणों से हासिल होती है जिन्हें मेहनत से हासिल किया जाता है। जिंदगी के साथ जुआ मत खेलो, ये दोबारा नहीं मिलेगी। ये गुणों से हासिल होती है जिन्हें मेहनत से हासिल किया जाता है। जिंदगी के साथ जुआ मत खेलो, ये दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए सपना किसी एक करियर से बहुत ज्यादा है। माता पिता के सपने और बच्चों के सपने एक ही जगह रहते हैं, याद रखो वो जगह घर कहलाती है। तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, किसी का नहीं। घर हमेशा हमारा होता है, हमारा अपना घर। हमारा सपना हमारी पूजा है, हमारा लक्ष्य हमारी प्रार्थना है। यही सपनों का आधार है, यही रिश्ता है, यही प्यार और जिम्मेदारी का बंधन है। यह बंधन छोटे परिवार का हो या बड़े राष्ट्र का, हम सपने देखने की हिम्मत से ही बनते हैं, हम सीखने और बेहतर बनने की कोशिश से ही बनते हैं। देखो, हो सकता है कि मैं अभिनेता या किसी और रचनात्मक क्षेत्र में होता अगर मुझे अच्छी शिक्षा ना मिली होती। शिक्षा वो है जो इंसान की आत्मा को तराशती है, जैसे मूर्तिकार संगमरमर को तराशता है। सिर्फ दोस्तों या माता पिता के दबाव में पढ़ाई मत करो, ये मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं। पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि तुम्हें पढ़ाई पूरी करके खुद को संपूर्ण बनाने की जरूरत महसूस होती है। हमेशा याद रखो, जिंदगी में जानने लायक चीजें सीखना आसान नहीं होता। मेरे स्कूल नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में मिली सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि इंसान कैसे बनना है, जिसे हम संक्षेप में चरित्र कहते हैं। फिल्मों में जितने किरदार निभाता हूं वो जिंदगी नहीं है, ये तो मानना ही होगा। मुझे अपने माता पिता से प्रेरणा मिली, पर स्कूल ने सिखाया कि साथियों के साथ सम्मान से रहना है, समुदाय का हिस्सा बनना है और दुनिया में खुद के साथ शिष्टता से रहना है। साथ रहना, साथ काम करना, साथ सीखना, लड़ना झगड़ना, प्यार करना, सही तरीके से मुकाबला करना और मदद से सहयोग करना। मैंने यही सीखा, भाईचारे का भाव सीखा। स्कूल का ये लैटिन वाक्य भी कितना सटीक था, मेरिट क्विस्क्यू पाल मैन, यानी हर कोई अपनी मेहनत का फल पाए। मैं हमेशा मानता हूं कि दिमाग, शरीर और आत्मा की ट्रेनिंग के जरिए सम्मान की ताकत हासिल करनी चाहिए। इस ट्रेनिंग को अनुशासन भी कहते हैं। बोर्डिंग स्कूल के नियम और रूटीन मुझे हमेशा रास नहीं आते थे, पर बाद में मैं सोचता हूं कि अगर वो सख्त ना होते तो खुद के सम्मान की ताकत पाना मुझे शायद ना आता। स्कूल में बॉक्सिंग अनिवार्य थी, हर किसी को रिंग में उतरना और लड़ना पड़ता है। अब शायद वो बंद हो चुकी है, पर मेरे लिए ये सम्मान पाने की शानदार सीख थी। रिंग के बाहर कितना भी समर्थन हो, अंदर आप अकेले होते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, आपके समर्थक होंगे, आलोचक भी होंगे, पर आखिर में आपको संघर्ष खुद ही करना है। जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि दुनियादारी की सफलता नहीं है, सबसे बड़ा इनाम इंसान के लिए सबसे अच्छा मुकुट, अच्छा चरित्र होना है। ये आसान नहीं है, इसे बार बार जीतना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी कई बार इसमें नाकाम रहूं, कोशिश तो करता हूं, पर यह सबसे बड़ा इनाम है। इसके बिना सारी भौतिक सरलता और शोहरत खोखली है। अपने सम्मान की कीमत जानना, दूसरों के सम्मान की भी कीमत जानना है, और उसी से समुदाय की गरिमा का निर्माण होता है। शिक्षा पाना हर किसी का जन्मसिद्ध हक है, एक इंसान होने का हक है, सम्मान पाने का हक है। इसीलिए हर किसी को शिक्षा देना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि सबके बुनियादी हक की रक्षा करें, सिर्फ अपने हक की नहीं, सबके हक की। पर जैसा कि आप जानते हैं, भारत में अभी भी बहुत से लोग पढ़ लिख नहीं पाते। पढ़ना लिखना सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे जिंदगी बेहतर हो जाती है, ये नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है। सोचो, पढ़ाई लिखाई एक चाबी की तरह है, जैसे ही ये चाबी मिलती है तुम एक बड़े समुदाय का हिस्सा बन जाते हो। ये समुदाय बीते कल से जुड़ा है और भविष्य की राह दिखाता है।
पढ़ाई लिखाई सिर्फ दिमाग को तेज नहीं करती बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में हिस्सा लेने में भी मदद करती है। इससे गरीबी कम होती है और इंसान तरक्की करता है। पढ़ ना सकना बहुत बड़ी कमी है। इससे इंसान अपना हक खो देता है और ये आजादी छीन लेता है। अच्छी शिक्षा सबसे बड़ा खजाना है। ये ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा आता जाता रहता है पर अच्छी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन सिर्फ पढ़ लिख लेना काफी नहीं है। अच्छी शिक्षा से मिलने वाला ज्ञान सिर्फ सूचनाएं जानना नहीं है, ये है कि उस जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे करना है। यही अच्छे चरित्र की अहमियत है। ज्ञान का सही इस्तेमाल ही समझदारी है और ये ज्ञान जब सबके साथ बंट जाता है तब और भी ज्यादा काम आता है। इसीलिए हर दिन अपनी शिक्षा को महत्व दें, इसे पाने की कोशिश करो और इसे सबके साथ बांटो, क्योंकि सबके साथ बांटने से ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम इसे पढ़कर, सुनकर, बात करके, बहस करके, एक दूसरे से अच्छे बुरे के बारे में बात करके बांटते हैं। आइए आज मिलकर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें और एक बेहतर भविष्य बनाएं। सपने देखो, सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया। वेल, आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।